सभी देश प्रदेश व क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक श्री हाजी इमरान अंसारी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा 64, समस्त बसपा परिवार, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। यूपी के बुलंदशहर में राशन विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले पिछले 21 तारीख से जनपद के सैकड़ों राशन डीलर गुलावठी कृषि उत्पादन मंडी परिसर में स्थित राशन वितरण गोदाम के बाहर धरने पर बैठे हैं। पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे कोटेदारों ने एसएमआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं बुलंदशहर सदर एसडीएम सदानंद गुप्ता का कहना है कि जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के गुलावठी के विपणन अधिकारी के खिलाफ जिले के कोटेदारों का शुक्रवार को गुस्सा फूट पड़ा। बुलंदशहर की 7 तहसीलों के कोटेदारों ने जमकर एसएमआई के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुलावठी राशन वितरण कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे कोटेदारों का आरोप है कि गोदाम में तैनात एसएमआई जमकर भ्रष्टाचार करते हैं, जिसको लेकर ये लोग पिछले 5 दिन से राशन विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले गोदाम के बाहर ही धरने पर बैठ गए। धरना दे रहे कोटेदारों ने एसएमआई की जमकर नारेबाजी की। एसएमआई के खिलाफ धरना दे रहे राशन डीलर एसएमआई को गोदाम से हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है, ये जो गोदाम हाट गोदाम है, यहाँ पर एक एसएमआई की ड्यूटी लगी हुई है, सुहांश त्रिपाठी जी। तो उनकी इतनी अनियमितताएं हैं कि एक तो जो हमें शासन के द्वारा कट्टे का वजन पूरा मिलता है खाद्यान्न से अलग, वो कट्टे का वजन नहीं देते हैं। दूसरा, अवैध मांग करते हैं प्रति क्विंटल के हिसाब से, और कोई भी अनियमितता जो होती है कि भाई कोई नल लग रही है उसके नाम पर पैसे उगाते हैं। और जहाँ पे जो गुलावठी एसएमआई की जांच हुई, जांच में जो ये दोषी पाए गए, इनके स्थानांतरण की संतुष्टि की गई, जो 1.5 महीना हो गया आज तक जो इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और अपने बलपूर्वक जमे हुए हैं, और हम राशन विक्रेता जब तक जो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक यहाँ से हाट गोदाम से इनका ट्रांसफर नहीं होगा। हम सब यहाँ 7 तहसीलों के सभी क्षेत्र से आए हुए, यहाँ सभी इकट्ठे दुकानदार हैं, और सभी चूँकि हमारे भाई हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है इनका साथ देना और इनके साथ खड़ा होना। हमारा अगला कार्यक्रम यह है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है और एसएमआई साहब को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तो आने वाले टाइम में हम हो सकता है कलेक्ट्रेट पर जाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करें, 26 जनवरी को करें, या फिर जैसे माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लग रहा है 28 तारीख का, हो सकता है कि हम उनके समक्ष जाके अपना धरना प्रदर्शन भी रखें। गुलावटी हाट केंद्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक एमआई सुयत त्रिपाठी आए हुए हैं करीब 4 माह से। उन्होंने जब से आए जब से आतंक मचा रखा है, समय समय पर तरह तरह की मांगें हमसे की जाती हैं और उन मांगों को पूर्ति करने की भी हम पर जोर दबाव बनाया जाता है। जहां पिछले 21 तारीख से कोटेदार राशन वितरण गोदाम परिसर में राशन विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं बुलंदशहर सदर एसडीएम सदानंद गुप्ता की ओर से दावा किया जा रहा है कि प्रकरण में जांच की जा रही है। एसडीएम दावा करते हैं कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो एसएमआई हो या फिर काला बाजारी करने वाला राशन डीलर। कुछ कोटेदार जो है एसएमआई के विरुद्ध जो है धरना पर हैं, जैसा कि आपने बताया कि आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों की। इसमें दो बातें हैं, दो पक्षी बात है। इस पूरे प्रकरण की जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी और डिप्टी आरएमओ को ऑलरेडी सुपुर्द की जा चुकी है, उनके द्वारा एक बृहद जाँच आख्या जिलाधिकारी महोदय को कर करके दे दी गई है, की जा चुकी है और वो सर को दी जा चुकी है, जिसके उपरांत कार्रवाई होनी है। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में, जैसा आप जानते होंगे कि गुलावटी में डोर स्टेप डिलीवरी लागू की गई हुआ था, जो जिले का पहला गोदाम था, हॉट गोदाम था, जहां पर डोर स्टेप डिलीवरी हुआ था। अब
आज की डेट में लीकेज खत्म हो जाता है। या डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी लागू होता है तो जो विभिन्न चरण है या जो कटौतियों का जो होता है लीकेज बंद करने का बहुत बड़ा माध्यम होता है। SMI से जब उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इन लीकेज न होने के कारण ये लोग आंदोलित हैं और यहाँ पर हम पूरा उठान करके दे रहे हैं, और साथ ही साथ जब इन पर पूरा वितरण का दबाव बताया जा रहा है तो ये जो है धरना दे रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ दोनों पक्षों से ये भी समन्वय बैठक कराने का प्रयास किया जा रहा है कि समस्या का विधिक रूप से गुणवत्तापरक समाधान कराते हुए जो दोषी है उस पर कार्रवाई कराई जाए। हो सकता है कि SMI के विरुद्ध भी कार्रवाई हो, साथ ही साथ जो दोषी राशन डीलर हैं जो अवैध या कालाबाजारी में लिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इस समस्या का एक दो दिनों में समाधान करा लिया जाएगा। हालांकि SDM जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का दावा जरूर कर रहे हैं, मगर अब देखने वाली बात यह है कि कोटेदारों द्वारा लगाए जा रहे गंभीर आरोपों के बाद जांच में क्या कुछ सामने आता है और दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।